हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटू और आप देख रहे होंगे कि मैं अपने मकान के पास में खड़ा हूँ। और यहाँ देखिए, ये अपना खेत है और खेत में आज मैं ये देखिए ट्रैक्टर चलवा रहा हूँ और इस ट्रैक्टर से समतल करवा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा पानी यहाँ आकर के और इस मेड़ के पास इस कोने में आकर जमा हो जाता है, ताकि उधर की फसल सुखाऊ कर जाती है। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस खेत को लेवल करवा लिया जाए। तो आज बरसात से पहले, तूफान से पहले ही मैं अपना ट्रैक्टर भंगवा करके और ट्रैक्टर से इस खेत को लेवल करवा रहा हूँ। ये देखिए, ये ट्रैक्टर उधर से मिट्टी लेके आ रहा है और यहाँ ला करके, और जहाँ भराव है वहाँ ला करके ये छोड़ रहा है। और ट्रैक्टर वाले से भी मैं आपको बात करवाऊँगा कि ये किस प्रकार से इस खेत का समतलीकरण करेगा। और अब आप मिलिए ट्रैक्टर वाले से, बात करते हैं। और यह है महेश जी। महेश जी बड़े जाने माने ट्रैक्टर चलाने वाले ड्राइवर हैं। महेश जी बोलिए, कैसी कैसी तो वो बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आपको दिखा देते हैं कि ये ट्रैक्टर से कढ़ाई, ये देखिए इसको बोलते हैं कढ़ाई, कढ़ाई लगवाना खेत में। और ये खेत में कढ़ाई चल रही है। ये देखिए, पहले खेत को जुताना पड़ता है सूखे में, और सूखे में जुताई करवा करके, और ये देखिए लंबा चौड़ा फील्ड। और ये फील्ड एडवोकेट राजेंद्र कुमार मीणा का खेत है, जो कि जयपुर के आंधी तहसील में और सरजोली गांव के नवाकुआ की ढाणी के अंदर पड़ता है। और यहाँ खेत का लेवलीकरण चल रहा है, और ये ट्रैक्टर के माध्यम से ये महेश कुमार मीणा इस ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहा है। और यहाँ ला करके इस मकान के पड़ोस पड़ोस में जो ये दीवार दिख रही है, इसके पास पास में पानी जमा हो जाता है, इस कोने में आकर ज़्यादा जमा होता है। तो ये मिट्टी ला करके, उधर से मिट्टी लेके आता है और मिट्टी ला करके इस कोने में यहाँ हल्का हल्का छोड़ देता है, और धीरे धीरे यहाँ मिट्टी जमा हो रही है। ये ट्रैक्टर बड़े हिसाब से चलाते हैं। दोस्तों, आपको भी अगर ज़रूरत हो, कहीं पर भी खेत लेवल करवाना हो, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके संपर्क सूत्र, इनके मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। इनका नाम महेश कुमार मीणा है, जो यहां हमारे गांव के ही रहने वाले हैं, और ये कहीं भी पहुंच जाते हैं। राजस्थान में, इंडिया में, कहीं भी आपको लेवल करवाना हो, वहां पर ये पहुंच जाते हैं अपना ट्रैक्टर लेकर के। और बहुत कलाकार आदमी हैं, बड़ी कलाकारी से ये अपना काम करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं। और ईमानदारी से कार्य करते हुए ये देखिए, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, खेत में मालिक तक नहीं है। ईमानदारी से देखो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो ऐसे ईमानदार आदमियों से काम करवाओ, ताकि लोग ऐसे बेईमानों से बच सके और उनका काम भी समय पर हो सके। और ये देखिए, खेत की जुताई बुआई समय पर, बीज डालना, और बहुत हिसाब से कार्य करते हैं। वकील साहब इन्हीं के ऊपर पूरा भरोसा करके और छोड़ देते हैं, यही इस खेतों की जुताई करते हैं, और समय पर कब जोतना है और कब इसमें बीज बोना है, ये सारा काम महेश जी देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, वाह किस प्रकार से मिट्टी के लेवलीकरण है। और ये देखते ही बनता है, यहाँ देखिए मिट्टी को एक साथ नहीं छोड़ करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी छोड़ी जाती है, और बहुत ही हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कार्य करने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। तो आप भी, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम किसानों से संबंधित या कोई भी न्यूज़ हमारे आस पड़ोस में घटित घटनाओं को लेकर के हम वीडियो आप तक पहुंचा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और मैं यहाँ खेत में खड़ा खड़ा ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये देखिए ट्रैक्टर मेरे पीछे चल रहा है, और मैं देखा कि यहाँ कोई किसान भी नहीं है, और ट्रैक्टर वाला क्यों ये अपने आप ही आ गया, तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, पूछा कि भाई किसान है नहीं, आप ऐसे कैसे खेत जोत रहे हो। मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि मेरा मकान यहाँ देखिए, ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है। तो
मेरी जिम्मेदारी बनती है पड़ोसी होने के नाते कि ये आदमी अंदर क्यों घुस रहा है, ये इसका घुसने का गेट है। तो यहाँ आते ही मैंने पहले इससे पूछा, फिर उनको चाय पिलाया और फिर ये अपना काम बखूबी ईमानदारी से कर रहा है। दोस्तों, ऐसे ईमानदार आदमी और अच्छे वर्करों से काम करवाने से ही किसान आगे पहुंच सकते हैं। बाकी किसानों को लूटने वाले बहुत लोग बैठे हैं जो कि 5 घंटे की जगह 8 घंटे का कार्य दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सा वर्क, ये देखिए मिट्टी को एक जगह न छोड़ करके हल्की हल्की चारों तरफ से मिट्टी छोड़ करके और खेत का लेवलीकरण अभी इधर का बाकी है। ये लेवल सारा होने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि खेत में किस प्रकार से लेवल किया जाता है और किस प्रकार से पानी चारों कोनों में समान मात्रा में रुकेगा। और ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल लेवल कर दिया गया है खेत को। देखिए क्या शानदार तरीके से लेवलिंगकरण किया गया है। तो ये देखो, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से लेवल किया गया है चारों तरफ से, चारों कोनों में से बिल्कुल पानी एक समान रहेगा, खेत में किसी एक जगह पर भराव नहीं रहेगा। तो यह है कलाकारी, मिट्टी को लेवल करने की बहुत बेहतरीन कलाकारी, जानते हैं महेश जी।